प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के बीच राम भक्ति का भी जिक्र किया। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है। पूज्य बापू की निश्रा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहाँ से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूँ, उनको नमन भी करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से साथ ही भारत की सालों पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए खुशी जताई और इस दिन को दोस्ती के नाम बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की दोस्ती को सुख दुख में साथ निभाने वाली दोस्ती बताया। प्रधानमंत्री ने हर मंच पर एक दूसरे का समर्थन करने पर गर्व बताया। भाई और बहनों, भारत और फ्रांस की मित्रता पूरी तरह से अटूट है और ये मित्रता नहीं, एक प्रकार से मित्रता से भी कुछ आगे हैं। ये नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। ऐसा कोई मौका या वैश्विक मंच नहीं होगा जहां हमारे देशों ने एक दूसरे का समर्थन न किया हो और साथ काम न किया हो। और इसलिए आज का दिन इस दोस्ती के नाम है। साथियों, अच्छी दोस्ती का मतलब ये है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जब भारत या फ्रांस में कोई भी अच्छी उपलब्धि होती हो तो हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद जितनी फ्रांस में है उससे भी ज्यादा भारत में होगी। जब फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप जीता था तो इसका जश्न भारत में भी बड़े जोर शोर से मनाया गया था। साथियों, इसी तरह हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के साथ दोस्ती का जिक्र किया, तीन तलाक का जिक्र किया, साथ ही साथ राम कैसे पेरिस में भी इस वक्त रमे हुए हैं वो भी बताया। इधर पीएम मोदी ने यह भी बताया कि नए भारत में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आतंकवाद पर अभूतपूर्व लगाम लगाई जा रही है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? पांच साल के बाद दोबारा सत्ता में आना और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के काम की तारीफ भी की, साथ ही अगले पांच साल में बड़े लक्ष्य हासिल करने का भरोसा दिया। फुटबॉल प्रेमियों के बीच में आया हूं तो आप भली भांति जानते हैं गोल का महत्व क्या होता है। और इसलिए अल्टीमेट अचीव करना है तो गोल ही करना होता है। हमने पिछले पांच सालों में कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे। लेकिन टीम स्पिरिट की भावना से हमने उन लोगों को, उन लक्ष्यों को साकार करके दिखाया है। साथियों, पूरी दुनिया में एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो वो भारत में खुले हैं। पूरी दुनिया की अगर आज सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम किसी देश में चल रही है तो उस देश का नाम है। इस स्कीम से कवर्ड लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इसकी जो कुल आबादी है उससे अगर हम जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा लोग भारत की इस योजना के लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हुए एयर इंडिया के दो विमान हादसों का जिक्र किया और उसकी याद में स्मारक बनाए जाने पर खुशी जताई। हम दुख की घड़ी में भी उतनी ही घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसका उदाहरण फ्रांस में हुए एयर इंडिया के दो विमान हादसों का ये स्मारक भी है। इन हादसों में कई भारतीय यात्रियों का निधन हुआ था। इनमें भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के उस महान सपूत को और अन्य भारतीयों को जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए,
उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, इस मेमोरियल का हर पत्थर हमारे नागरिकों की एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता का जीता जागता सबूत है। हम नमन करते हैं सेंट जर्वे के उन गाइड्स को जिन्होंने हादसे के बाद विमान के मलबे की खोज में दिन रात काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया। आज उन गाइड्स के परिवार जन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन गाइड्स का और उनके स्वजनों का भी भारत की तरफ से आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सेंट जर्वे के मेयर का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मेमोरियल को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीबी और क्लाइमेट चेंज का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया कि जो लक्ष्य पूरा विश्व 2030 तक पूरा करेगा, उस लक्ष्य को भारत 2025 में ही पूरा कर लेगा। साथियों, पूरी दुनिया ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य साल 2030 तक रखा है। पूरे विश्व ने 2030 तक इस काम को पूरा करने का तय किया है, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। आपको गर्व होगा कि जिस गति से हम इस पर काम कर रहे हैं, उससे भारत इस लक्ष्य को 5 साल पहले 2025 में पूरा कर देगा। इसी तरह COP21 में क्लाइमेट चेंज के जो लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित किए गए थे, उनमें से ज्यादातर लक्ष्यों को भारत अगले 1-1.5 वर्षों में प्राप्त कर लेगा। फ्रांस के पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो फिर भारतीयता से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बीच वो गांधी का जिक्र कैसे न करते। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और महात्मा गांधी की पूरी दुनिया में लोकप्रियता का जिक्र किया। देखिए, हिंदुस्तान वही है, गांधी भी वही है, आप भी वही है। गांधी की शताब्दी भी मनाई गई, गांधी के 125 साल भी मनाए गए, इस बार गांधी के 150 मनाए जा रहे हैं और अब तक दुनिया के 124 देशों के टॉप मोस्ट सिंगर्स म्यूजिशंस ने वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए ये गाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के तेजी से विकास करने की बात कही और देश को गरीबी से निकालने के काम को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। साथियों, आज कई स्टडीज आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अपनी गरीबी को बहुत तेजी से दूर कर रहा है। हम गरीबी से बाहर आ रहे हैं। ये भी हमारा एक गोल था जिसको हम तेजी से पूरा करने में लगे हैं। भारत आज नई ऊर्जा से भरा है और उसका प्रतीक है कि भारत आज स्टार्टअप की दुनिया में भी बहुत आगे है। छोटे छोटे शहर के टैलेंटेड युवा एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहे हैं। साथियों, ये भी सच है कि पिछले 5 सालों में हमने देश की अनेक कुरीतियों को रेड कार्ड भी दे दिया है।
भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा झटका लगा है। आतंकवाद पर कार्रवाई न करने पर एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया है। एफएटीएफ का एशिया पैसिफिक ग्रुप है एपीजी, जिसके 40 मानकों में 32 में पाकिस्तान फेल रहा है, बाकी के 11 मानकों में भी पाकिस्तान को कम स्कोर मिला है। अब पाकिस्तान के सामने एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडराने लगा है। अगर इसका सीधा जो मतलब है वो ये कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी जा सकती है, और ऐसा हुआ तो पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाएगा। आतंकवादी देश है उसको तो सीधे आतंकी देश घोषित करना चाहिए, और पाकिस्तान को जूते पे जूते पड़ रहे हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। आज भी गोलाबारी कर रहा है, जवाब भी मिल रहा है उसको। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है उस भाषा में दुनिया उसको समझा रही है, लेकिन फिर भी वो आतंकवाद से तौबा करने को तैयार नहीं। और कश्मीर के मुद्दे पर बार बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भारत को दहलाने की साजिश रचने में लगा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान सेना ने हमलों को अंजाम देने के लिए 200 से ज्यादा अफगानी और पश्तून आतंकियों को तैयार किया है, जो पीओके में मौजूद है। बताया तो ये जा रहा है कि केरन, पुंछ और लीपा घाटी में मौजूद आतंकियों में कुछ आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बैट कमांडो भी भारतीय सेना पर हमला करने की फिराक में है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो गवाही दे रही है पाकिस्तान के उन नापाक इरादों की, जिसको लेकर लगातार भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती हैं। केरन पुंछ लीपा घाटी में आतंकी मौजूद है, इस बात की जानकारियां मिली है सुरक्षा एजेंसी को। साथ ही कहा जा रहा है कि लगातार अपनी नापाक करतूतों को एक बार फिर से अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान उतारू है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अब हर बात का करारा जवाब मिलने वाला है। आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात में चेतक कमांडो की तैनाती की गई है। गुजरात एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी भीड़भाड़ वाली जगहों या फिर किसी बड़े सरकारी दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी वजह से गुजरात में एटीएस के दफ्तर के साथ साथ दूसरी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात एटीएस को हमले की जानकारी मिली है जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। सुरक्षा के लिए चेतक कमांडो को तैनात किया गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की जानकारी मिल रही है। आतंकी के बाद गुजरात में अलर्ट की जानकारी है, और लगातार सेना और साथ ही साथ पुलिस फोर्स की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। गुजरात एटीएस द्वारा चार अफगानी आतंकी भारत में घुसे होने का जो रिपोर्ट जारी हुआ, उसके बाद जगह जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल हम गुजरात एटीएस के जो मुख्यालय है वहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेतक कमांडो, अमूमन यहाँ पर बाहर चेतक कमांडो नहीं होते, लेकिन एसआरपी कमांडो के साथ साथ चेतक कमांडो की भी तैनाती की गई है। वहाँ पर पीछे भी आप जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वो कमांडो की पूरी फोर्स वहाँ पर दिख रही है। तो ये जिस तरीके का स्पेसिफिक इनपुट गुजरात एटीएस के हाथ लगा कि जो अफगानी आतंकी हैं वो गुजरात में घुस चुके हैं, और वो कोई कहीं भी देश के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में भीड़भाड़ वाले इलाके को अपना निशाना बना सकते हैं, उसके बाद ही इस तरीके से एहतियाती कदम उठाए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और ख़ास तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं और जो सात सीमाएं हैं जो गुजरात से जुड़ी हुई है, उन राज्यों के साथ जो जो सीमाएं जुड़ी है वहां पर भी कमांडो फोर्स लगाई गई है। उसके साथ साथ वहां पर 60 से ज़्यादा जवान होंगे जो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते रहेंगे। उसके अलावा जो मरीन टास्क फोर्स, जो सबसे अहम जो गुजरात का 1600 किलोमीटर का जो समुद्री किनारा है, वहाँ पर मरीन कमांडो टास्क फोर्स को वहाँ उतारा गया है। तो गुजरात एटीएस किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं कि चूंकि अब त्योहारों का समय है, जो जन्माष्टमी है, उस वक्त भी कोई कहीं पर भी भीड़भाड़ के इलाके, मॉल्स हो चाहे बड़ी जगह हो, वहाँ पर जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पर ये आतंकी हमला कर सकते हैं। इस तरीके का स्पेसिफिक रिपोर्ट के बाद जगह जगह पर तैनाती की गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, न कि केवल गुजरात बल्कि उनके सटे गुजरात से सटे राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी इस तरीके का अलर्ट यहाँ से गुजरात एटीएस की ओर से भेजा गया है, जिसके चलते अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट के चलते वहाँ सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद।
और जानकारी ये मिल रही है कि सेना ब्रिगेड के पास से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध सेना की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे रहे थे। दोनों संदिग्ध व्हाट्सएप कॉल के जरिए अहम जानकारी ISI के मेजर तक पहुंचा रहे थे। दोनों संदिग्ध राजस्थान के रहने वाले हैं और सेना की ब्रिगेड के अंदर कैंटीन में काम कर रहे थे। फिलहाल सेना ने दोनों संदिग्धों को पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। तो यह अहम खबर जम्मू से सामने आ रही है, जहां ISI के दो संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, कैसे मुमकिन हो पाई इनकी गिरफ्तारी, इन पर शक कैसे गहराया? देखिए, ये लोग दोनों जो राजस्थान के रहने वाले थे, ये बड़ी ब्राह्मणा ब्रिगेड कैंटीन के अंदर काम करते थे और पिछले कई दिनों से इनकी गतिविधियां संदिग्ध देखी जा रही थी। तो जो सेना का खुफिया विंग होता है वो इन पर नजर रखे हुए था। हालांकि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, तो वो लोग रात को जो वाईफाई चलते हैं अफसरों के क्वार्टरों के पास, वहीं से वो व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे पाकिस्तान में, जो तभी इन लोगों की नजर पड़ी और दोनों को पकड़ लिया गया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आगे मामले की जाँच कर रही है, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है उनके सूत्रों का कहना है कि ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक मेजर के संपर्क में थे और जहाँ पर जितना भी ये जम्मू कश्मीर में सेना की मूवमेंट जो उस इलाके में होती थी, जो उनकी गोपनीय सूचनाएं लीक करके उनको पाकिस्तान भेजते थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। जानकारी ये कि सेना की ब्रिगेड के अंदर कैंटीन में लोग काम कर रहे थे, कितने दिन से कर रहे थे, इस बारे में कुछ मालूमात? देखिए, पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ इतना ही बताया है कि ये दोनों लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और ब्रिगेड के अंदर जो कंटीन है, जो प्राइवेट कंटीन्स होती हैं, वहां पर जो लोग ठेके लेते हैं उन ठेकेदारों के साथ ये काम कर रहे थे, क्योंकि जो मेन ठेकेदार है वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है, उसने वहां से इनको एज ए लेबरर के रूप में लाया हुआ था। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है, पिछले एक दो साल से ये लोग इसी इलाके में काम कर रहे थे और पिछले दो तीन महीने से इनके ऊपर इनकी जो एक्टिविटीज थी वो थोड़ी इनको संदिग्ध लगी थी, तभी इन पर नजर रखी जा रही थी। फिलहाल शुक्रिया पवन जानकारी के लिए आपका। उधर उत्तर प्रदेश में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से और साथ ही गृह विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आतंकी यूपी के कई जिलों में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ ही जो तमाम लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि वो सावधान रहें, सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो सावधानी बरतें। इसके अलावा अयोध्या में जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो यूपी में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के गृह विभाग और पुलिस ने अलर्ट जारी कर ये कहा है कि यूपी के कई जिलों में आतंकी हमला कर सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या में मंदिरों की सुरक्षा के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तान के बॉर्डर से आतंकियों के घुसपैठ के बाद यूपी में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री दफ्तर है, विधानसभा, यहाँ पे भी जो पुलिसकर्मी हो, बाहर खड़े आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। बाकायदा वायरलेस टच से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। जो ट्रैफिक के पुलिस कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है, इसी गेट से विधायक, मंत्री, सांसद सब अंदर जाते हैं। कुल मिलाकर दाहिने साइड पर विधानसभा है और बाएं तरफ जो है वो मुख्यमंत्री का दफ्तर है। जो फोर्स है वो भी मंगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी की माने तो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज जो बड़े स्थान हैं वहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दे दिया गया है। यानी आतंकी इनपुट के बाद यूपी भी सतर्क मोड पर आ गया है। IB की रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई है कि अब आतंकियों की घुसपैठ हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है और टारगेट है, यहाँ टारगेट पर रहता है, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, जिसको लेकर अब यहाँ प्रशासन चौकन्ना हो गया। सभी DM और SSP को चौकन्ना रहने की हिदायत दे दी गई है। सभी जेलों में भी सतर्क रहने की बात कही गई, क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे जो दुर्दांत अपराधी हैं वो यहाँ की जेलों में बंद है। तो निश्चित तौर पर अब इस अलर्ट के बाद यूपी में चेकिंग अभियान बढ़ा दी गई और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अजीत सिंह, News 18 लखनऊ। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह मौजूद है, जिन्होंने अलर्ट घोषित किया। सर, क्या तैयारी और किस तरह के? देखिए, कोई स्पेसिफिक इनपुट हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमने विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमने पूरे प्रदेश को अलर्ट कर रखा है। कश्मीर की स्थिति, हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाना और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने हाई अलर्ट करके घोषित कर दिया, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को और ख़ासकर नेपाल के जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। और वहाँ पे फ्रिस्किंग, चेकिंग, रैंडम चेकिंग, पेट्रोलिंग सभी इलाकों में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की स्थिति में जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है,
उसमें कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकलेंगी, कई जगहों पर डोल की यात्राएं होंगी। हमने अनुमान लगाया है कि लगभग 500 ऐसे जुलूस हैं जो डोल के जुलूस होंगे, जिनको हमें सुरक्षित रखना है, और लगभग 415 ऐसे जुलूस हैं जो शोभा यात्राएं विभिन्न सेंसिटिव समय चल रहा है, चूँकि जन्माष्टमी है तो सारे दुनिया के लोग आते हैं, अयोध्या में भी आते हैं, मथुरा में भी आते हैं। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, ये चार जो जगह है, जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विशेष इनपुट रहता है और हमेशा अलर्ट रहता है और आज भी खूब चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, अयोध्या में हमारी बहुत ही इंटेंसिव चेकिंग चल रही है, वो हमारा एक सेंसिटिव प्लेस है। उसी तरह मथुरा में भी हमने किया है और वाराणसी में भी किया है। इन सभी धार्मिक स्थलों पर हमने अलर्ट घोषित किया है ताकि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेपाल के बॉर्डर पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ हमने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को इस्टेब्लिश किया है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपने काउंटर पार्ट, जो नेपाल के काउंटर पार्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सबों से संपर्क साध रखा है। इंटेलिजेंस मशीनरी को हमने गेयर अप कर रखा है और हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी है। अभी हाल ही में हमने एसएसबी के अधिकारियों से भी वार्ता की थी और हमने उनको भी अलर्ट किया था। तो हम समझते हैं कि सभी तरह से हम अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। एक और खतरा जो इनपुट आ रहा है कि यूपी की जेलों में आपने बहुत सारे कश्मीर के कैदियों को, दुर्दांत अपराधियों को रखा, तो वो भी एक खतरा यूपी के लिए है कि अगर वो आतंकियों के संपर्क में आए और नेपाल के बॉर्डर से घुसे तो यूपी में ज़्यादा अलर्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सभी तरह से चौकन्ने हैं और पिछले कई दिनों से हमने चौकन्ना अपने आप को बना रखा है, और यही कारण है कि हमारी मशीनरी और ख़ासकर हमारी अभी सूचना तंत्र जो है उसको हमने गेयरअप कर रखा है। और इस तरह हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति हो, जहाँ पे संभावित खतरे की जानकारी मिल सके, तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। और यही कारण है कि हमारे सारे विंग्स, चाहे वो एंटी टेरर स्क्वाड हो या सिविल पुलिस हो, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी हो, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो या इवन जेल डिपार्टमेंट हो, सभी हम लोग अलर्ट हैं। जेलों में भी क्या विशेष अलर्ट किया गया है जहाँ पर कश्मीरी कैदी बंद? हमने सभी व्यवस्था कर रखी है ताकि वातावरण एकदम सुरक्षित रहे। एक बात और कि जिस तरह उत्तर प्रदेश को हमेशा टारगेट पर लिया जाता है और पाकिस्तान का कोई ना कोई, कि नेपाल बॉर्डर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है और हमेशा अगर घुसपैठ होती है या ISI की जो फंडिंग होती है इसी रास्ते से होती है, तो क्या पूरे बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, पूरे बॉर्डर को सील किया गया है? बिल्कुल सही है, हम पूरी बॉर्डर को सील किए हुए हैं। सील इन द सेंस कि उनकी चेकिंग हो रही है, रेगुलर फ्रिस्किंग और चेकिंग हो रही है और रैंडम चेकिंग भी हो रही है। वहाँ पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। जैसा मैंने कहा कि न केवल हम SSB से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बल्कि हमारे ऑफिसर्स, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका कम्युनिकेशंस नेटवर्क बहुत ही इफेक्टिव इस्टेब्लिश हुआ है और 1-to-1 वो बात कर रहे हैं ताकि कोई भी अगर सूचना उन्हें मिलती है तो उसको तुरंत हम शेयर कर सकें अपने अधिकारियों से। तो मैं समझता हूँ कि अलर्ट बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में, खासकर अगर हम पर्व की बात करें तो कुशीनगर, गोरखपुर जोन जो है वो, गोरखपुर जोन, मेरठ जोन और आगरा जोन, ये तीनों बहुत ही सेंसिटिव है इस पर्व के दृष्टिकोण से भी। और गोरखपुर जोन में खासकर बलरामपुर, कुशीनगर में ही लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी यात्राएं निकलेंगी, तो उस दृष्टिकोण से भी हमने अलर्ट घोषित कर रखा है। अगली खबर MP के सतना से है, जहां टेरर फंडिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ATS ने सतना से ISI के लिए काम कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ATS ने बलराम, सुनील सिंह और शुभम मिश्रा समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो सतना में बैठकर आतंक का नेटवर्क चला रहे थे। इनके पास से 13 पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिले हैं। ये लोग आतंकियों के फंड मैनेजर से व्हाट्सएप चैटिंग करते थे और पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से बात करते थे। बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंकियों के आका फाइनेंसर स्लीपर सेल के अकाउंट में मोटी रकम ट्रांसफर करते हैं और ये रकम उनके लिए जासूसी करने वाले ISI एजेंटों तक पहुंचती है। ट्रांजैक्शन है वो संदेहास्पद है, क्योंकि इनको अभी तक इन्होंने इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये जो इंक्रिमिनेटिंग नॉलेज जिसे हम बोलेंगे, इन्होंने उसको फर्दर ट्रांसफर किया है। बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ खाते ऐसे आए हैं जिसमें इन्होंने अभी तक यहाँ से जो खाते थे वो 50,000 से नीचे थे ताकि IT के रेडार से बच सकें, बट वो आगे जाके वो एक्युमुलेट हुए हैं, मतलब आगे जाके वो 1.5 लाख, कहीं 2 लाख इस तरह के खातों में गए हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। और इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, 5 इस तरह के संदिग्धों की गिरफ्तारी और इनके बारे में जो अभी तक जानकारियां मिली हैं उसके इतर भी अभी बहुत सारी जानकारियां हैं जो सामने आना बाकी हैं। वाकई, क्योंकि इसके पहले भी 2 साल पहले जब कार्रवाई हुई थी तब 13 आरोपी पकड़े गए थे, भोपाल से, इंदौर से, सतना से और उत्तर प्रदेश से भी,
पर अभी एक आरोपी जो बलराम है जो उस वक्त भी पकड़ा गया था, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो मध्य प्रदेश की ATS है, इंटेलिजेंस है या जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इस बात को क्यों नहीं देख रही थी कि बलराम को 8 महीने पहले जब जमानत मिली थी उसके बाद फिर से उसने वही टेरर फंडिंग का काम शुरू कर दिया। और जो फाइनेंस जो स्लीपर सेल है जो कि ISI एजेंट तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से खुफिया तंत्र की तरफ से ये वो एक वो आया कि एक अलर्ट आया जिसमें मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है, ऐसे वक्त में बलराम का दोबारा पकड़ा जाना, साथ ही साथ एक तरह से उनका पैसा जमा करना एक बड़ा एक एक तरह से अलर्ट करता है, एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कोताही थी कि वो बलराम पर नजर नहीं रख पाई। फिलहाल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस दावा कर रही है कि अब इस पूरे टेरर नेटवर्क को इस बार वो पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर इनके साथ दूसरे कौन लोग जुड़े थे जो अंततः पैसा। लेकिन बड़ी कामयाबी है कि MP में टेरर फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है। शुक्रिया मनोज। इस बीच एक और अहम खबर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ट्वीट किया है, मैं मीडिया से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करने का आग्रह करता हूं। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं और आगे भी ऐसा करती रहेगी, घबराने और डर फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं मीडिया से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करने का आग्रह करता हूं। आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं और आगे भी ऐसा करती रहेगी, घबराने और डर फैलाने की जरूरत नहीं है। राजीव कुमार उपाध्यक्ष नीति आयोग के, उन्हें ये ट्वीट क्यों करना पड़ रहा है उस बार में आपको बता दें कि उससे पहले उनकी तरफ से ये कहा गया था कि देश में 70 साल में ऐसा नकदी संकट नहीं देखा गया है, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। अर्थव्यवस्था के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं, राजीव कुमार ने ट्वीट करके अपनी बात को स्पष्ट किया है।